जस्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सौरिक तिराहे पर बौद्ध और क्षत्रिय समाज के बीच प्रतिमा रखने को लेकर चल रहे विवाद ने गुरुवार को तूल पकड़ लिया है। मौके पर मौजूद एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सौरिक तिराहे पर शाक्य और क्षत्रिय समाज अपने आदर्श की प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे थे। बुधवार को शाक्य समाज के द्वारा बुद्ध प्रतिमा लगा दी गई थी, जिसका क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा था। वहीं आज गुरुवार को मामले को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भीड़ में मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस पर ही जमकर पथराव कर दिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस को बुलाया गया, फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। कन्नौज से सीबू सैनिक की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में एक स्थान पर मूर्ति को रखने को लेकर के विवाद था, जिस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षों से वार्ता की जा रही थी एवं इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया जा रहा था एवं सुरक्षार्थ पुलिस तैनात थी। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पूर्व योजना के तहत उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, तो उपद्रवी तत्वों को खदेड़ दिया गया। स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है और जल्द ही इनको जो है जो उपद्रवी तत्व उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ पुलिस भी घायल हुए हैं? इसमें चिन्हित कर इसमें हम कार्रवाई जल्द करेंगे। सर, पुलिसकर्मी कौन कौन घायल हुए हैं? सर, अभी यहाँ पे जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जानकारी होती है आपको बताते जाएंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।